इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में दी है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान जिन्होंने 1300 करोड़ फिल्में दी है। दोस्तों आपको बता दें, सलमान खान एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने नॉन स्टॉप लगातार 1300 करोड़ दी है। ये रिकॉर्ड बॉलीवुड का कोई भी और एक्टर नहीं तोड़ सकता। आपको बता दें, सलमान खान ने फिल्म वांटेड के बाद में हर एक फिल्म अपनी 100 करोड़ के पार ही दी है। नंबर 2 में इस लिस्ट में नाम आता है हमारे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय का। अक्षय कुमार ने अपने करियर में 800 करोड़ी फिल्में दी है। हालांकि लगातार तो नहीं है, लेकिन अक्षय कुमार की फिल्में 100 करोड़ के रास्ते को छांट ही लेती है। और तीसरे नंबर में इस लिस्ट का नाम आता है अजय देवगन का। अजय देवगन ने भी अपने करियर में 800 करोड़ की फिल्में दी है। अजय देवगन भी काफ़ी अलग अलग फिल्में करते हैं और दर्शकों को खासे पसंद आते हैं। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है अजय। और तीसरे स्थान पर आने के बाद बात करेंगे चौथे स्थान की, जो है किंग खान के नाम यानी कि शाहरुख खान, जिन्होंने अपने करियर में 700 करोड़ी फिल्में दी है। शाहरुख इस लिस्ट में अभी भी अजय देवगन और अक्षय कुमार से पीछे हैं, मात्र एक फिल्म। और पाँचवें स्थान पर इस लिस्ट में नाम आता है आमिर खान का। आमिर खान ने 5 फिल्में 100 करोड़ की दी है, वो भी लगातार। आमिर खान भी एक ऐसा एक्टर हैं जो काफ़ी अच्छी फिल्में देते हैं और काफ़ी कंटेंट वाइज पिक्चर देते हैं। तो ये थे बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा 100 करोड़ की फिल्में दी है। इनमें से हम बात करते हैं टॉप 1 की, तो सलमान खान के आसपास भी कोई नहीं है जिन्होंने 1300 करोड़ की फिल्में दी है। उनके पीछे अक्षय और अजय हैं जो उनसे 5 फिल्में कम यानी कि 800 करोड़ फिल्मों पे हैं, और शाहरुख 7 और आमिर खान 5। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करें देखो देखो।